पर एक मैसेज, एक बस एक जेस्चर है मेरे सारे भाइयों के लिए, तो हैप्पी रक्षाबंधन डे. ये चीज़ें हो, हमेशा हमें पैम्पर किया है एंड ही इज़ ऑलवेज गिवन अस द बेस्ट. तो थैंक यू वेरी मच. एंड मेरे सारे जो भाई हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस एंड फॉर ऑलवेज बीइंग सो लवेबल. तो कभी कभार मैं हलवा बना देती हूँ, कभी कभी, मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर रक्षाबंधन के दिन मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ. इस बार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, सेट पे शूट कर रही हूँ. लेकिन आई एम श्योर अभी तक कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन मैं कुछ तो उन्हें किसी भी तरह से सरप्राइज करने वाली हूँ. एक्चुअली उनको पता भी नहीं है कि मैं कल उनको मिलने जाने वाली हूँ, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर देम. तो मैं बस किसी को बताने नहीं वाली हूँ, मैं बस बोलने वाली हूँ मैं शूट कर रही हूँ, मैं शूटिंग में बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी, एंड टिंग टोंग दे विल फाइंड मी देयर. क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना पैम्पर किया है और किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा सही चीज़ को सपोर्ट किया है. और मेरा जो भाई है मुझे हमेशा बोलता था, जब मैं डेब्यू कर रही थी एक्टिंग में और अंबर धरा मेरा डेब्यू शो आने वाला था, तब मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, ऑलवेज बी ग्राउंडेड. तो वो मैसेज हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहता है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवेबल, ऑल माई ब्रदर्स, थैंक यू सो सो मच. मैं एक्चुअली पूना की हूँ ना, तो बचपन में मैं पूना में रहती थी और मेरी मम्मी शादी के बाद पूना शिफ्ट हो गई थी, तो मम्मी के साइड के सारी फैमिली बॉम्बे में ही थी. तो बचपन में हम रक्षाबंधन के दिन पूना से ट्रैवल करके आते थे बॉम्बे, सिर्फ एक दिन के लिए, और हम बस पकड़ के आते थे और सारे भाई. तो हमारे सबसे एल्डेस्ट ब्रदर जो है रेजा, उनके घर पे हम सब मिलते थे और मेरी मम्मी की तरफ से हम इतने सारे कजन्स हैं, मतलब भीड़ भीड़ हो जाती है और हम इतने लाउड हैं जब हम सब कजन साथ में मिलते हैं. तो हम सब बड़े भाई के घर पे मिलते थे और ऐसे हम राखी बांधते थे और फिर ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिलते थे और मिठाइयाँ भी मिलती थी. तो मुझे बस गिफ्ट्स और मिठाई में भी ही शौक होता था. मैं जब भी रक्षाबंधन के दिन जाती थी, मैं मम्मी को पूछती थी, अरे आज तो पैसे मिलेंगे या गिफ्ट मिलेंगे या मिठाई मिलेंगे. लेकिन एज अ किड ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब मैं बस अपने सारे भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड ऑफकोर्स अच्छे अच्छे राखीज लेके जाऊंगी. मैंने एक ईविल आई वाला राखी देखा, तो शायद मैं अपने भाइयों को वो ईविल आई वाला राखी पहनाऊंगी, क्योंकि आई जस्ट होप दे आर अवे फ्रॉम ऑल द मिजरीज एंड ऑल सोरोज एंड जस्ट स्टे हैप्पी थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड फॉर एवर. थैंक यू. हाँ, और मैं आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन डे विश करना चाहूँगी. आई होप आप सब बहने भाई सब साथ में रहिए और सब एकजुट रहिए और ढेर सारा प्यार एक दूसरे को दीजिए. एंड आई होप यू ऑल गो अ लॉन्ग वे एंड आई'ड लाइक टू से टू ऑल द ब्रदर्स, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज सपोर्ट योर सिस्टर्स इन द राइट वे एंड गिव देम द बेस्ट एंड support their dreams and support their aspirations. Thank you.